प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री आशुतोष टंडन गोपाल जी ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज के इंसेफ्लाइटिस वार्ड में बेड टू बेड जाकर मरीजों के परिजनों से कुशल क्षेम, दवाओं की उपलब्धता आदि के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। इसके अतिरिक्त उन्होंने बीआरडी मेडिकल कॉलेज के निर्माणाधीन भवनों का निरीक्षण कर उसकी गुणवत्ता को देखा तथा संतोष व्यक्त किया। इस अवसर पर उन्होंने जनसंपर्क एवं पूछताछ कर 79 बेड वाले डिफ्रीबिकेटर वार्ड, रैन बसेरा निर्माणाधीन शेल्टर हाउस, नेहरू चिकित्सालय के प्राइवेट वार्ड तथा पीजी मैरिड हॉस्टल सीआरसी स्थापना स्थल का व्यापक निरीक्षण कर उसकी व्यवस्था तथा गुणवत्ता आदि का अवलोकन किया। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार इंसेफ्लाइटिस रोग से जंग लड़ रही और निश्चित रूप से इस बीमारी पर विजय प्राप्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निरंतर प्रयासरत है और इस हेतु अनेक भवनों का निर्माण कराया जा रहा है ताकि मरीजों को किसी तरह की असुविधा न होने पाए। सभी अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में दवाइयों की उपलब्धता, चिकित्सकों की तैनाती आदि की व्यवस्था की जा रही है। स्वास्थ्य सेवाएं ऑनलाइन होंगी, इसकी व्यवस्था की जा रही है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्राविधिक शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री आशुतोष टंडन गोपाल जी ने कहा। Gracias.
सर। आपको कैसे कंपेक्शन के लिए ये वाटर दो बेडरूम वाला है, ट्रांसफर किया था बेडरूम वाला है, दो बेडरूम वाला है, जो वाली वाटर वाला है। इसी तरीके से सर सेकेंड थर्ड पे हम लोग ब्लड बैंक, थर्ड पे सर मेरा प्री ऑपरेटेड को पोस्ट ऑपरेटेड और पांच ओटियाँ हैं सर। थर्ड को कितने परसेंट रह गया? हमारा 14 से 10 होने में कुछ ऑल्ट्रेशन सर उनको सर हम लोग कर रहे हैं, उसी में थोड़ा समय लग रहा है, बाकी हमारा हाँ सर तो उसी को सर उसमें जो सर ऑल्ट्रेशन जो कर रहे हैं उसमें सर थोड़ा समय लग रहा है सर, क्योंकि अब सर जानकारी को टारगेट क्या है आपका सर? फरवरी 19 सर। दिसंबर में हो सकता है? फरवरी 19 भी बहुत टाइट है सर, हम लोग तो मार्च के लिए बात करते हैं, लेकिन फरवरी 19 सर आप लोग से ये सर ये OPD है सर। ये फर्स्ट फ्लोर का जी सर, दो फ्लोर तो करीब करीब सर लगभग, लेकिन सर उसमें भी फिर कुछ टूट फूट हुई तो सब ये सब जितना फॉल सीलिंग वगैरह है सब सर डिस्टर्ब हो गया है। प्रदेश सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सीय सेवाओं में आमूलचूल सुधार करने का प्रयास कर रही है, उसी क्रम में हम सब लोग अनेक मेडिकल कॉलेजेस में अस्पतालों में जाकर स्वयं भी देख रहे हैं, उसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और यहाँ आप देख रहे हैं व्यापक निर्माण कार्य सुधार कार्य चल रहा है। यहाँ NICU पीकू निकू के नए वार्ड बन रहे हैं, उसमें क्षमता बढ़ाई गई है, पहले लगभग 250 के लगभग क्षमता थी, अब वो 450 हो रही है, और नया वार्ड बना है, यहाँ वेटिंग एरिया एक नया बन रहा है जो पेशेंट को दिक्कत ना हो, अमृत फार्मेसी की स्थापना की गई है जिसमें सस्ते दर पे दवा मिले, दवाई का बजट दुगना किया गया है जो सभी पेशेंट्स को दवाई मिल सके, बहुत से कार्य यहाँ चल रहे हैं। ई हॉस्पिटल में इस मेडिकल कॉलेज की सेवाओं को कन्वर्ट किया जा रहा है, यानी सभी सेवाएं ऑनलाइन हो जाएंगी, जो इक्विपमेंट की कमी थी उसकी पूर्ति की जा रही है, जो यहाँ टीचर्स की पैरामेडिकल स्टाफ की कमी थी उसकी पूर्ति की जा रही है, अभी लगभग 90-95 नर्सेस को हमने यहाँ पर तैनात किया है, सभी तरह से प्रयास हो रहे हैं कि जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सके। पीक पॉइंट पे अब आने वाला इंसेफ्लाइटिस का सीजन शुरू हो गया, इंसेफ्लाइटिस के लिए सरकार की जंग जारी है, आपने देखा दस्तक अभियान चल रहा है, सभी विभागों का एक वो संयुक्त अभियान है, और हम इस लड़ाई को इस पर इस रोग पर विजय जरूर प्राप्त करेंगे। सर को लेकर देखिए यहाँ इंसेफ्लाइटिस के मरीज प्रदेश के 7-8 जिलों के आते हैं,
दो तीन जिलों के नेपाल के, दो तीन चार जिलों के बिहार के आते हैं, और उसके लिए क्या बेहतर चिकित्सा सुविधाएं हों, कैसे जो है इस रोग को हम समाप्ति की ओर ले जाएं, सरकार प्रयास कर रही है।